So hello guys and welcome back to another very important video session from your own channel NEET UG in 10. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor at this particular platform. In this particular video we will be talking about the taxonomical aid that is key. हम लोगों ने अभी तक काफ़ी सारी taxonomical aids के बारे में बात कर ली है, जैसे कि आपका herbarium which was specifically for the plants, for example botanical gardens which were again for the plants, zoological parks which were for the animals, एंड आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट म्यूजियम जो कि दोनों के लिए होता है, जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों के स्पेसिमेंट्स जो हैं आपके रखे जाते हैं. आज बात करेंगे अबाउट की विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, और इन सारे टैक्सोनॉमिकल एड से की बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो आपको इसे पढ़ने या समझने में भी मज़ा आएगा. सो गाइज दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स ऑफ माइन. इफ यू वॉन्ट टू हैव अ लुक यू कैन, अदरवाइज लेट्स प्रोसीड. यू कैन ऑल्सो गेट कनेक्टेड टू अस वाया अनअकैडमीज लर्निंग ऐप. आप इस ऐप को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर. जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके ओपन करोगे और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे, यू विल गेट ऑल आवर सब्सक्रिप्शन पैक्स ऑन योर स्क्रीन. यहाँ पर आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एक साल या दो साल का सब्सक्रिप्शन पैक ऑप्ट करें, बिकॉज ये कंपैरेटिवली चीपर होते हैं, एज वेल एज ये आप किसी को पास ऑन भी कर सकते हैं टू योर ब्रदर्स, टू योर सिस्टर्स, या फिर अगर कोई आपका जूनियर है हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो आप उनको भी ये किसी भी मुनासिब प्राइस पर पास ऑन कर सकते हैं. नाउ अगर आप रेफरल कोड एंटर करते हैं विपिन एट द टाइम यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है. आपको मेरे सारे के सारे नोट्स मिलेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, एज वेल एज आपको एक साल के लिए मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम मिलेगा, जिसमें मैं आपको पूरे तरीके से गाइड करता रहूँगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने कितने अमाउंट में पढ़ना है, एंड बेसिकली एक दिन का शेड्यूल आपको किस तरीके से बनाना है. रेगुलर बेसिस पर हम लोग इंटरेक्ट करते रहेंगे, सो दैट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल. सो आई रिकमेंड यू गाइज कि आप विपिन कोड यहाँ पर यूज़ करें, जिससे आपको एडिशनल पर्क्स भी मिलें. Now let's talk about the topic of our discussion that is keys. जैसे कि एक की का मतलब होता है ताले को खोलने वाली चाबी, उसी तरीके से ये जो टैक्सोनॉमिकल कीज़ होती हैं ये हमारी टैक्सोनॉमिकल आइडेंटिफिकेशन की सबसे बड़ी चाबी होती हैं. यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस टैक्सोनॉमिकल एड से बोथ प्लांट एंड एनिमल्स को, यानी कि जस्ट लाइक म्यूजियम जहाँ पर आपको स्पेसिमेन रखे हुए मिलते हैं, यहाँ पर कीज़ के अंदर आपको सारी की सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई मिलेगी किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिमेन की, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में किया जाता है. जैसे कि आप लोगों ने ट्रूथ एंड डेयर खेला होगा, वैसे यहाँ पर कीज के अंदर दो एनालिटिकल आपके ऑप्शंस होते हैं, जिसमें समझ लीजिए एक होगा येस, एक होगा नो, एक होगा प्रेजेंट, एक होगा एब्सेंट, एक होगा ट्राइमेरस, एक होगा पेंटामेरस. इस तरीके से आपके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर लिखे जाते हैं. जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ. समझ लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर लिखा किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिमेन का डिस्क्रिप्शन. सो यहाँ पर उसके कैरेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल द कैलिक्स. सो आपने नोट कर लिया कि कैलिक्स कैसी है, यहाँ पर ट्राइमेरस है यानी 3 के ग्रुप में है, या पेंटामेरस है 5 के ग्रुप में है, तो आपने उस ऑप्शन को क्लिक कर दिया. ओके, देन आप कोरोला के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप ऑप्शन को क्लिक कर देंगे जो भी उसमें होगा, और जो नहीं होगा उसको आप लोग ब्लैंक छोड़ देंगे. देन आप पढ़ेंगे एंड्रोशियम यानी मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में कि ये कितने हैं नंबर में, इनका साइज क्या है उस हिसाब से. ओके, देन आप गाइनोशियम के बारे में पढ़ेंगे, ओवरीज कितनी है, उनके अरेंजमेंट क्या है. सो आप इस तरीके से इन सारे कैरेक्टर्स को एक लिस्ट बनाकर राइट कर सकते हैं, जिससे कि समझ लो हमने ब्रिंजल के सारे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स लिखे, तो मुझे ब्रिंजल का सब कुछ पता लग जाएगा कि इसमें कैलिक्स जो हैं ये वाली हैं, कोरोला ये वाले हैं, एंड्रोशियम इतने हैं, इतने पर्टिकुलर साइज के हैं, गाइनोशियम ये वाले हैं. सो व्हेनेवर आई एम गोइंग टू ओपन द लिस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज, मुझे कॉन्ट्रास्टिंगली पता लग जाएगा कि इस प्लांट में ये सारे कैरेक्टर्स हैं और ये सारे कैरेक्टर्स नहीं हैं. सो दैट इज गोइंग टू हेल्प मी इन आइडेंटिफिकेशन. मुझे तो वहां पर पता लग जाएगा ना कि कौन कौन से कैरेक्टर मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं. सो ये जो कीज हैं ये आपकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज पर बेस्ड होती हैं. ओके, यानी कि एक ऑप्शन आपका सही होगा, एक ऑप्शन आपका गलत होगा. सो कीज जो है किस पर बेस्ड होती हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पर. कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब जस्ट अपोजिट, जैसे गोरे का अपोजिट काला, छोटे का अपोजिट लंबा, वैसे यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें होंगी कि हाँ भाई एंड्रोशियम एब्सेंट या प्रेजेंट. समझ लो कोई आपका फीमेल प्लांट है, सो फीमेल प्लांट में मेल सेक्स ऑर्गन्स तो नहीं होंगे, सो उसमें एंड्रोशियम एब्सेंट हो जाएगा, गाइनोशियम प्रेजेंट हो जाएगा. सो आप एब्सेंट, प्रेजेंट, लार्ज, स्मॉल ऐसे करके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की एक लिस्ट बनाएंगे और उनके ट्रेट्स को आप मार्क करते हुए चलेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको करके दिखाया. इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन. अब जो दो अपोजिट ऑप्शन होंगे उनमें से आप चूज कर लेंगे। जैसे इन दोनों में से मैंने यहाँ पर ये वाला चूज किया, इन दोनों में से यहाँ पर ये वाला चूज किया, इन दोनों में से ये वाला। सो एक आपका एक्सेप्ट हो जाता है और दूसरा ऑप्शन आपका अल्टीमेटली रिजेक्ट हो जाता है, एंड दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस। सो यहाँ पर अगर आप एक को चूज करेंगे सो एक आपका एक्सेप्ट हो जाएगा एंड दूसरा वाला ऑटोमेटिकली आपका रिजेक्ट हो जाएगा, उसमें कुछ बचेगा ही नहीं। ओके, सो हर स्टेटमेंट जो है एक की जो है जिस पे पेपर पे आपने सारे के सारे कैरेक्टर लिखे हैं, उस की हर स्टेटमेंट को आप लोग लीड बोलते हो। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप उन कैरेक्टर से होके गुजरते जाओगे ना, आपको आइडेंटिफिकेशन में लीड मिलती चली जाएगी, यानी आप आइडेंटिफिकेशन के करीब जाते चले जाओगे, आप किसी स्पेसिमेन को पहचानने के और नजदीक चले जाओगे अगर आप स्टेप वाइज प्रोसीजर से चल रहे हो तो। सो जैसे एक पायदान पर पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, सिमिलरली यहाँ पर आपको कीज के अंदर जो कैरेक्टर्स दिए हैं उनको मार्क करना पड़ेगा। सो जैसे आप एक कैरेक्टर चढ़ जाओगे, आपको थोड़ी सी लीड मिली, एक्स्ट्रा एज मिली, आप दूसरी सीढ़ी चढ़ोगे, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, यानी आप सारे के सारे कैरेक्टर्स को मार्क करते हुए चलोगे और आप फाइनली हर लीड को क्रॉस करते हुए अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे और आइडेंटिफिकेशन कर पाओगे। टैक्सोनॉमिक कीज अलग अलग होती हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए, यानी स्पीसीज के लिए अलग आपकी की बनेगी, जीनस के लिए अलग बनेगी, फैमिली के लिए अलग बनेगी। सो अलग अलग टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी के लिए आपकी अलग अलग की मिलेगी, बट दैट इज फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, समझ लो मैं एनिमल की बना रहा हूँ। सो मैंने ये लिखा कि चार टांगों वाले एनिमल्स इधर आ जाओ। ओके, सो सारे के सारे टेट्रापोडा वहां चले गए। ओके, फिर मैंने जैसा बोला कि शेल वाले इधर आ जाओ, तो शेल किन में होता है? मोलस्क वगैरह जो होंगे थोड़े बहुत, जिनके अंदर शेल होगा वो वहां पर चले जाएंगे। ओके, मैंने बोला स्पाइनी बॉडी वाले अलग चले जाओ, तो इकाइनोडर्म्स वहां चले गए। मैंने बोला काइटिनस एक्सोस्केलेटल वाले अलग हो जाओ, तो आर्थ्रोपोड या फिर आपके जो इंसेक्ट हैं वो उस साइड चले गए। सो कैरेक्टर्स के बेसिस पर हमने क्या कहा, जिस जिस में प्रेजेंट है उसे कोने में रख दो। सो कीज जो है आपकी एनालिटिकल इन नेचर होती हैं, क्योंकि आपका एनालिसिस में हेल्प करती हैं कि आखिर कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर्स हैं किसी स्पीसीज के अंदर या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर और कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन फीचर्स नहीं है। सो दैट्स वाई कीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड आता है वो है कपलेट, कि आप जब एक पेयर है आपका अगर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का, तो उस पेयर को आप लोग कपलेट बोलोगे। कपलेट में एक वर्ड आ रहा है कपल, कपल दो लोगों का होता है। ओके, सो कपलेट है आपका दो का, और हर स्टेटमेंट जो है की में आप सीढ़ी दर सीढ़ी जो चढ़ते जा रहे हो दैट इज कॉल्ड एज लीड। सो कपलेट और लीड आपको याद रखना है। कीज आपकी एनालिटिकल है नेचर में, प्लांट और एनिमल्स दोनों के लिए हैं, और हर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी के लिए अलग अलग की आपकी बनाई जा सकती है। सो दिस इज अबाउट की एंड आई होप यू गॉट टू नो इट वेरी वेल। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, समझ में आई, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्लीज मेक श्योर कि आप बेल आइकन को प्रेस करें, और हमसे टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पर रोज रात को मेरी फ्री क्लासेस के लिंक्स आप लोगों को मिल जाते हैं, जिसको आप फ्रीली एनरोल करके मज़ा उठा सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे भी और इस YouTube चैनल पर भी। एज वेल एज अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो विपिन कोड को यूज़ करिए फॉर एक्स्ट्रा पर्क्स, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरी मेंटरशिप में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें हम लोग दोस्त की तरह काम करेंगे और बहुत ही जल्दी इस एंट्रेंस को निकाल ले जाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव।